Hello friends, welcome back in once again. In today lecture we will discuss about how we use view controller life cycle. तो friend, पिछले lecture में हमने understand किया था कि what is the view controller and what is the type of the view controller. तो friend, अगर आपने मेरा पिछला lecture नहीं देखा है कि what is the view controller and what is type of the view controller, तो friend description box में मैंने उसका link दे दिया है. You can check in the description box. तो friend, आज का जो हमारा topic है कि हमने व्यू कंट्रोलर के लाइफ साइकिल को किस टाइप से यूज करना है. देन लेट्स बिगिन. जो व्यू कंट्रोलर के मेथड्स हैं वो पहले ही हमने यहाँ पे ऐड किए हुए हैं. तो फ्रेंड, प्रैक्टिकल डेमो से पहले हम थ्योरेटिकली रीड आउट करते हैं कि जो हमारे व्यू कंट्रोलर के मेथड्स हैं उसका हम किस टाइप से यूज करते हैं. तो फ्रेंड, यहाँ पे हमने एक चार्ट डिस्प्ले किया है व्यू कंट्रोलर को अंडरस्टैंड करने के लिए. जो हमारा चार्ट है उसमें दो पोर्शन हमें शो हो रहे हैं. जो अपर पोर्शन फ्रेंड यहाँ पे है वो हमारा है नॉट लोडेड. तो फ्रेंड, जब तक हमारा व्यू कंट्रोलर मेमोरी में क्रिएट नहीं होता है तो हमारा जो व्यू कंट्रोलर का लाइफ साइकिल है वो स्टार्ट नहीं होता है. तो फ्रेंड, जो हमारा अपर पोर्शन है वो हमारा नॉट लोडेड है, मींस कि हमारा जो व्यू कंट्रोलर है वो अभी मेमोरी में क्रिएट नहीं हुआ है. तो फ्रेंड, जैसे ही हमारा व्यू कंट्रोलर मेमोरी में क्रिएट होता है तो सबसे पहला जो फर्स्ट मेथड है वो है फ्रेंड हमारा व्यू डिड लोड. व्यू डिड लोड कॉल्ड व्हेन कंटेंट व्यू इज क्रिएटेड इन मेमोरी. जैसे फ्रेंड हमारा कंटेंट व्यू मेमोरी में क्रिएट होता है तो फ्रेंड हमारा सबसे पहले व्यू डिड लोड कॉल होता है. कंटेंट व्यू क्या है इसके लिए भी हमने एक सेपरेट लेक्चर बनाया था, तो आपने अगर ये लेक्चर नहीं देखा है तो फ्रेंड मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, देन यू कैन चेक. तो फ्रेंड, जो हमारा व्यू डिड लोड है, दिस मेथड इज लोडेड वंस इन व्यू कंट्रोलर लाइफ साइकिल. तो फ्रेंड, जो व्यू कंट्रोलर का लाइफ साइकिल है उसमें जो व्यू डिड लोड है तो फ्रेंड वो ओनली वन टाइम ही कॉल होता है, व्हेन ऑल द व्यू आर लोडेड. जैसे ही हमारे सभी व्यू लोड हो जाते हैं मेमोरी में तो हमारा जो फर्स्ट मेथड है वो व्यू डिड लोड कॉल होता है. तो फ्रेंड, नेक्स्ट है कि हम व्यू डिड लोड को क्यों यूज करते हैं, व्हाई वी यूज व्यू डिड लोड. तो फ्रेंड, व्यू डिड लोड को हम मेनली कि अगर हमने जस्ट किसी एपीआई को, एपीआई या हमारा जो नेटवर्क मेथड होते हैं फ्रेंड, अगर हमने उनको कॉल करना है, वन टाइम कॉल करना है, तो फ्रेंड उस केस में हम व्यू डिड लोड का यूज करेंगे. या हमने कोई यूजर इंटरफेस से रिलेटेड, कोई डिजाइन से रिलेटेड चीज डिस्प्ले करनी है तो वहां पे भी फ्रेंड हम व्यू डिड लोड का ही यूज करेंगे. या वो सभी टास्क फ्रेंड जिसको हमने एंड अदर टास्क दोज आर नीडेड डू वंस. तो फ्रेंड, वो सभी टास्क जिसकी हमें एक ही बार डिस्प्ले या एक ही बार कॉल की रिक्वायरमेंट है तो वहां पे हम व्यू डिड लोड का यूज करेंगे. तो फ्रेंड, जो हमारा सेकंड मेथड है व्यू विल अपीयर कॉल्ड बिफोर कंटेंट व्यू इज एडिड टू एप्स व्यू हायरार्की. तो फ्रेंड, जो हमारा सेकंड व्यू व्यू विल अपीयर है वो कॉल होता है फ्रेंड जैसे ही हमारा कंटेंट व्यू एड होता है व्यू हायरार्की में, तो उससे पहले व्यू डिड लोड के बाद एंड कंटेंट व्यू को हायरार्की में ऐड करने से पहले जो हमारा मेथड कॉल होता है फ्रेंड वो है हमारा व्यू विल अपीयर. दिस मेथड इज कॉल्ड एवरी टाइम व्हेन द व्यू अपीयर्स एंड मेनली यूज्ड फॉर अपडेट स्क्रीन डाटा. तो फ्रेंड, जैसे हम इस क्लास में नेविगेट करते हैं जहां पे हमने व्यू विल अपीयर को डिक्लेयर किया है, तो फ्रेंड ये मेथड हमारा कॉल होगा एवरी टाइम जैसे ही हम क्लास को कॉल करेंगे. तो फ्रेंड, इस मेथड को हम मेनली यूज करते हैं कि अगर हमने कोई डाटा है जो एवरी टाइम हमारा अपडेट होता रहता है डाटाबेस में एंड हमने उस नेटवर्क मेथड को कॉल करना है, उस एपीआई को कॉल करना है कि जिसमें जो डाटा है हमारा वो चेंज होता रहता है, तो फ्रेंड उस केस में हम व्यू विल अपीयर का यूज करेंगे. एंड जो थर्ड मेथड फ्रेंड हम यूज करते हैं व्यू डिड अपीयर. तो फ्रेंड, यहाँ पे जो व्यू हायरार्की है तो फ्रेंड इसके लिए मैंने एक सेपरेट लेक्चर बना दिया है एंड उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फ्रेंड मैंने उसका लिंक दे दिया है. यू कैन चेक फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. व्यू डिड अपीयर इज कॉल्ड आफ्टर कंटेंट व्यू इज एडेड टू एप व्यू हायरार्की. तो फ्रेंड, जैसे ही हमारा जो कंटेंट है वो व्यू हायरार्की में ऐड हो जाता है, तो ऐड होने के बाद फ्रेंड जो हमारा मेथड कॉल होता है वो है हमारा व्यू डिड अपीयर. जो व्यू डिड अपीयर है एंड जो व्यू विल अपीयर है, तो फ्रेंड इसमें हमारा जो माइनर सा डिफरेंस है वो ये है कि जो व्यू विल अपीयर है वो कंटेंट हमारा जैसे ही ऐड होता है व्यू हायरार्की में उससे पहले कॉल होता है. कंटेंट को ऐड होने से पहले जो मेथड कॉल होता है वो है व्यू विल अपीयर. एंड जैसे ही हमारा कंटेंट व्यू हायरार्की में एड हो जाता है, पियर हो जाता है, डिस्प्ले हो जाता है, तो उसके बाद जो मेथड कॉल होता है फ्रेंड वो है हमारा व्यू डिड अपीयर. तो दिस मेथड इज कॉल्ड एवरी टाइम व्हेन द व्यू अपीयर्स एंड मेनली यूज्ड फॉर डिस्प्ले लोडर व्यू एंड यूआई एनिमेशन. तो जैसे ही हमारा व्यू अपीयर होता है तो एवरी टाइम व्यू डिड
अपीयर हमारा कॉल होता है। तो फ्रेंड जो हमारे इस टाइप के कंटेंट होते हैं, जैसे कि हमने लोडर शो करना है, जैसे हमारा व्यू अपीयर होता है, तो अपीयर होने के बाद हमारे इस टाइप की कुछ एक्टिविटी अगर है कि जैसे हमारा नेटवर्क से जो डाटा है वो फेच होने में थोड़ा टाइम लगता है फ्रेंड, तो उस टाइम के दौरान इन मीन टाइम इफ यू वांट टू डिस्प्ले द लोडर देन वी कैन शो द लोडर हियर। जो नेटवर्क से वेटिंग टाइम जो हमारा होता है उस टाइम में जो एक्टिविटी हमें शो करनी है तो वो हम यहाँ पे कर सकते हैं फ्रेंड, कोई एनिमेशन से रिलेटेड या कोई लोडिंग से रिलेटेड तो हम यहाँ पे शो कर सकते हैं। तो फ्रेंड जो नेक्स्ट मेथड है वो हम यूज करते हैं व्यू विल डिसअपीयर। तो जो हमारा व्यू विल डिसअपीयर है, कॉल्ड बिफोर कंटेंट व्यू इज रिमूव फ्रॉम एप व्यू हायरार्की। उस व्यू कंट्रोलर से हम अगर नेविगेट करते हैं किसी और व्यू कंट्रोलर पे, तो फ्रेंड उस टाइम पे क्या होता है कि जो हमारा कंटेंट व्यू है वो व्यू हायरार्की से रिमूव हो जाता है। तो फ्रेंड रिमूव होने से पहले जो मेथड कॉल होता है, कॉल्ड बिफोर कंटेंट व्यू इज रिमूव फ्रॉम व्यू हायरार्की। व्यू हायरार्की से कंटेंट व्यू रिमूव होने से पहले जो मेथड कॉल होता है वो है व्यू विल डिसअपीयर। तो फ्रेंड जैसे हम नेविगेट करते हैं तो उस टाइम पे ये मेथड हमारा कॉल होता है। तो फ्रेंड अगर हमने कोई सर्विस स्टॉप करनी है तो फ्रेंड सभी इस टाइप की एक्टिविटी जैसे ही डिसअपीयर के टाइम पे हमने शो करनी है। सपोज कोई अगर हमारा कीबोर्ड है वो ओपन है, अगर हमने उसको हाइड करना है या हमने किसी सर्विस को स्टॉप करना है या कुछ मेमोरी अगर हमने एलोकेट की है ऑब्जेक्टिव सी के केस अगर हम यूज करते हैं कि इसमें हमें मेमोरी एलोकेट डी एलोकेट करनी पड़ती है, तो उस टाइप के केस में भी फ्रेंड हम इसमें भी हम मेमोरी को डी एलोकेट कर सकते हैं। तो सभी इस टाइप की एक्टिविटी जो डिसअपीयरिंग के टाइम पे हमने परफॉर्म करनी है तो उन सबको हम यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं। एंड जो नेक्स्ट मेथड फ्रेंड हम यूज करते हैं व्यू डिड डिसअपीयर। तो फ्रेंड जो हमारा व्यू डिड डिसअपीयर है ये मेथड हमारा कॉल होता है फ्रेंड जैसे हमारा जो कंटेंट व्यू है वो हमारा रिमूव हो जाता है ऐप के व्यू हायरार्की से। तो फ्रेंड ये मेथड भी हमारा डिसअपीयरिंग के टाइम पे कॉल होता है, उस क्लास से जैसे हम पूरी तरह से डिसअपीयर हो जाते हैं, मींस कि जैसे मैंने नेविगेट किया किसी और क्लास में तो उस टाइम पे फ्रेंड जैसे हम नेविगेट कर लेते हैं उस क्लास से, जो हमारा कंटेंट व्यू है वो हमारा व्यू हायरार्की से रिमूव हो जाता है, तो उस टाइम पे फ्रेंड जो हमारा व्यू डिड डिसअपीयर है वो कॉल होता है। तो ये मेथड भी फ्रेंड हमारा डिसअपीयरिंग के टाइम पे ही कॉल होता है। एंड यहाँ पे भी हम वो सभी एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं जो हमने डिसअपीयरिंग के टाइम पे परफॉर्म करनी है। जो व्यू कंट्रोलर के मेथड हैं उसको हमने किस टाइप से यूज करना है तो प्रैक्टिकल डेमो से फ्रेंड हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं। तो फ्रेंड फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपने प्रोजेक्ट को रन करते हैं। तो फ्रेंड हमें यहाँ पे शो हो रहा है कि जैसे ही मैंने यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट को रन किया है तो हमें यहाँ पे जो थ्री हमें लाइंस हैं वो यहाँ पे शो हो रही हैं। तो फ्रेंड जो फर्स्ट मेथड हमारा है वो है हमारा व्यू डिड लोड, तो वो हमारा यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। तो फ्रेंड जो सेकंड मेथड हमारा व्यू डिड लोड के बाद कॉल हुआ है वो है हमारा व्यू विल अपीयर, व्यू विल अपीयर हमें यहाँ पे शो हो रहा है। एंड थर्ड फ्रेंड हमें यहाँ पे शो हो रहा है व्यू डिड अपीयर। तो फ्रेंड ये हमारे जो थ्री मेथड्स हैं ये हमारे फर्स्ट कॉल हुए हैं अपीयरिंग के टाइम पे। अभी हमारा जो व्यू विल डिसअपीयर है एंड व्यू डिड डिसअपीयर है, तो फ्रेंड ये वाले मेथड अभी हमारे कॉल नहीं हुए हैं, तो बिकॉज क्योंकि ये हमारे कॉल होते हैं जैसे ही हम इस क्लास से डिसअपीयर होते हैं, जैसे हम नेविगेट करते हैं किसी और क्लास में तो उस टाइम पे फ्रेंड हमारे जो ये वाले मेथड्स हैं ये वाले मेथड हमारे उस टाइम पे कॉल होते हैं। तो फ्रेंड सपोज अभी हमने सबमिट पे हमने क्या करना है, नेविगेट करना है किसी और क्लास पे, तो फ्रेंड हम यहाँ पे क्लिक करते हैं सबमिट पे, तो हम यहाँ पे सेकंड क्लास हमें यहाँ अपीयर हो रही है। तो फ्रेंड जैसे ही हमने सबमिट पे क्लिक किया है, पहले हमारे फर्स्ट थ्री मेथड हमें कॉल हो रहे थे, हमने यहाँ पे 11 का यूज़ किया है फ्रेंड फर्स्ट क्लास के लिए। एंड जो सेकंड वीसी हमने यहाँ पे लिया है उसमें हमने यूज़ किया है 2 का, तो यहाँ पे भी हमने सेम मेथड का यूज़ किया है बट हमने यहाँ पे 2 का यूज़ किया है। तो फ्रेंड जो हमारे थ्री मेथड्स के बाद डिड लोड विल अपीयर एंड डिड अपीयर, तो जो फ्रेंड हमारा फोर्थ नंबर पे कॉल हुआ है वो हमारा सेकंड क्लास में मेथड कॉल हुआ है व्यू डिड लोड, ये वाला कॉल हुआ है फ्रेंड हमारा सेकंड वीसी में। एंड इसके बाद हमारा जो कॉल हुआ है मेथड वो हमारा कॉल हुआ है व्यू विल डिसअपीयर, तो ये हमारा फर्स्ट जो हमारा व्यू कंट्रोलर है वो वाला हमारा कॉल हुआ है। तो फ्रेंड यहाँ पे हमारा पहले व्यू डिड लोड, सेकंड जो हमारी क्लास है वो वाला कॉल हुआ है एंड उसके बाद हमारा फर्स्ट क्लास का व्यू विल डिसअपीयर कॉल हुआ है, क्योंकि जो व्यू विल डिसअपीयर है फ्रेंड वो हमारा कॉल होता है कि जैसे ही हम कंटेंट व्यू को
रिमूव करते हैं व्यू हायरार्की से, तो उस टाइम पे कॉल होता है। एंड नेक्स्ट फ्रेंड हमारा सेकंड मेथड, सेकंड क्लास का जो मेथड है व्यू विल अपीयर कॉल हुआ है। एंड आफ्टर इट व्यू विल अपीयर के बाद फ्रेंड हमारा जो सेकंड एंड व्यू विल अपीयर हमारा कॉल हुआ है सेकंड क्लास में। एंड उसके बाद फ्रेंड हमारा व्यू डिड डिसअपीयर कॉल हुआ है फर्स्ट क्लास में। उसके बाद फ्रेंड हमारा व्यू डिड अपीयर कॉल हुआ है हमारा सेकंड क्लास में। तो इस टाइप से फ्रेंड हमारे जो मेथड्स हैं वो कॉल होते हैं व्यू लाइफ साइकिल में। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, एंड अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें।